सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 19 क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैगजीन है CIO, इसकी हेडलाइन थी कि बहुत सारा पैसा है 78 बिलियन, इसको बर्बाद करना बंद कीजिए। और उसका फैक्ट ये था, उसके पीछे अंडरग्राउंड जो थॉट था वो ये था कि जो अमेरिकन बिजनेसेस हैं वो सॉफ्टवेयर में क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसा खर्चा किसी और काम में हो रहा है। इंफॉर्मेशन वीक ने सेम थॉट, यही चीज बताई कि जो डिफेक्टिव कोड है, कोडिंग, या ये कहे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो चीजें निकलती हैं, खराबियां निकलती हैं, तो 45% जो सिस्टम डाउन रहता है उसका कारण है कि सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया गया है। तो इससे बहुत सारा पैसा US की कंपनीज और वर्ल्ड वाइड उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो केवल ऐसी बात है कि भाई कंपनीज को नुकसान हो रहा है, अब कोई कस्टमर के साथ ये बार बार होगा, या उसको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया गया, या वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जो खराब है, तो क्या ये दोबारा लौटेगा इस पे? तो इसीलिए कि खराब कोड है, बैड कोड है। लेकिन सवाल उठता है कि ये बैड का मतलब क्या है, कितना खराब कोड है, बैड सॉफ्टवेयर में बैड का मतलब क्या होता है, खराब सॉफ्टवेयर में खराब का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए जो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 1000 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड ऐसे लिखा हुआ है, और 1000 में 3 या 4 डिफेक्ट हो या प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो आपका इतना पुअर, इतना खराब, इतना डिस्ट्रेसिंग परफॉर्मेंस देगा कि पूछे मत। और जो डेवलपमेंट का कॉस्ट होता है सॉफ्टवेयर का, उसका आधा पैसा, मतलब हाफ, आप सोचिए, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के समय ये जो बग्स हैं इनको ठीक करने में, इनको निकालने में लग जाता है, सारा पैसा इसी में लगता है। जो सॉफ्टवेयर बना चुके होंगे वो जानते हैं इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं। 2005 में कंप्यूटर वर्ल्ड कहता है कि जो खराब सॉफ्टवेयर है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लेग की तरह फैल गया है, या फिर इफेक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक तो कंप्यूटर डाउन टाइम है, यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो कुछ काम नहीं हो सकता, कई डेटा खराब हो जा रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, जितना मेंटेनेंस में कॉस्ट लग रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये बिल्कुल कम हो गया कि जो उपभोक्ता है वो उसे पसंद नहीं कर रहा है या दुखी है। इसी तरीके से 2006 में इन्फो वर्ल्ड ये लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यहां पर सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात की गई कि जो सॉरी स्टेट है, मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए शर्मिंदगी, शर्मिंदा हैं हम, ये शर्मिंदा होना चाहिए। ये जो सॉरी स्टेट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का, ये अभी भी है, और ये अभी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर में नहीं डाली गई है, मतलब क्वालिटी का एस्पेक्ट ही नहीं आया है। तो जब ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात शुरू हुई, बहुत सारे करीबन 100,000 प्रोफेशनल्स, उन्होंने बताया कि भाई जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर्स हैं वो सबसे खुश लोग हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया पैसा वही कमा रहे हैं और सारा काम उन्हीं को मिल रहा है। अब कस्टमर क्या होता है, जैसे ये कस्टमर है और यहां पर डेवलपर है, इसने डेवलप करके दिया है, ये इसको गाली देता है, ये इसको ब्लेम करता है कि यार क्या यार तुमने इतनी खराब क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर दिया, ना क्वालिटी अश्योरेंस है, ना क्वालिटी है, क्या है ये। डेवलपर इनको ब्लेम करता है, ये डेवलपर हो गया, ये कस्टमर हो गया, ये इनको ब्लेम करता है, ये इनको गालियां देता है, वो ये कहता है कि यार आप 2 साल का काम 1 साल में मांग रहे हो, इरेशनल डिलीवरी डेट है आपकी, और उसके बाद आप बार बार चीजें चेंज करा रहे हो, ये सब जो चीजें हो रही इसके कारण से हम बगैर वैलिडेट किए गए, बगैर इसमें क्वालिटी लाए हुए, बगैर वेरीफाई किए हुए आपको अब देना पड़ता है आपके प्रेशर के कारण। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। व्हाट इज क्वालिटी, यहां पर एक साहब देख रहे हैं जो अपनी बाइक पे है, और यहां छोटी सी चीज दी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं बताता हूं ये क्या है।
तो रॉबर्ट पेर्सिक साहब, इनकी एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। इस मोटरसाइकिलों को कैसे मेंटेन किया जाए, तो इन्होंने क्वालिटी के बारे में कहा। अब क्वालिटी क्या है, ये अलग बात है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे हम बाद में आएंगे। क्वालिटी क्या है, इन्होंने अपने बारे इस क्वालिटी का ताल्लुक से कहा कि क्वालिटी को हम जानते भी हैं नहीं भी जानते, और क्वालिटी आपस में जो भी इसकी बारे में बात है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक चीज दूसरे से अलहदा है या उल्टी है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ कोई चीजें ज्यादा क्वालिटी दिखाती है, लेकिन जैसे ही आप पूछना शुरू करेंगे, कहना शुरू करेंगे कि क्वालिटी क्या है, कोई चीज नहीं मिलती है। क्या करें, क्वालिटी के लिए कहें क्या, डेफिनेशन क्या दें, इसके बारे में बात क्या करें। लेकिन जैसे आप कहेंगे यार क्वालिटी की डेफिनेशन तो नहीं दी जा सकती है, तब आप कहते हैं नहीं नहीं क्वालिटी तो हम जानते हैं क्वालिटी क्या होती है। मतलब क्वालिटी आप जानते भी नहीं है लेकिन जानते भी हैं। अगर इसको हम कोई नहीं जान रहा है तो भाई प्रैक्टिकल पर्पसेस में यहां पर किस तरीके से इसको लाया जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकल पर्पस में लाया जा सकता है, किस ग्रेड पे, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या दोगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। क्यों ऐसा होता है कि कई लोग किसी चीज के लिए बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं, किसी के लिए बिल्कुल नहीं देते हैं, कचरे में भी उनको सोना मिल जाता है। तो इन्होंने जो सारी बात कही वो ये था कि ये गोल 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 घूम रहे हैं हम क्वालिटी को लेके। तो अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि यार व्हाट द हेल इज क्वालिटी, ये क्वालिटी है क्या एग्जैक्टली। ये साहब हैं डेविड गार्विन साहब, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में थे, अब तो इनका देहांत हो गया है। इन्होंने कहा कि क्वालिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुआयामी है, ये मतलब इसके कई फेसेस हैं, कई तरीके से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, और पांच अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से अगर हम इस पे बात करें। तो इन्होंने क्या कहा, पहला है ट्रांसीडेंटल व्यू। क्वालिटी का मतलब ट्रांसीडेंटल व्यू में ये है कि बस आप देख के आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप कोई सुंदर महिला को देखते हैं या हैंडसम आदमी को देखते हैं, तो महिलाएं हैंडसम आदमी को देख के बोलती हैं यार हैंडसम है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या हैंडसमनेस है, बस अच्छा लगा है ना। तो कुछ चीज अच्छी लगती है लेकिन बस पता नहीं इसको कैसे बताएं। यूजर व्यू का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई चीज मांगी एज ए यूजर और मुझे जो सामान मिला वो मेरा काम कर रहा है, मेरे गोल को जिससे मेरा काम आसान होता है वो मुझे मिल गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये सामान जो है क्वालिटी वाला सामान है। मैन्युफैक्चरर व्यू क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरर कैसे सोचता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने तय किए थे वो सब पैरामीटर इसमें है, तो अगर ये प्रोडक्ट मेरे सारे स्पेसिफिकेशन को, मानकों को, काम मैंने जो जो तय किया था उसको पूरा करता है, तो ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, क्वालिटी प्रोडक्ट है या क्वालिटी वाली चीज है। प्रोडक्ट भी क्या होता है कि क्वालिटी में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, वो प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया गया, क्या क्या यह फंक्शन, क्या क्या ये काम करता है, क्या क्या फीचर दिखाता है, क्या क्या विशेषता है इसकी, अगर इसमें कुछ फंक्शन और फीचर ऐसे हैं जो चाहिए और ये प्रोवाइड करता है, इसमें है ये कैरेक्टरिस्टिक, तब आप कहेंगे क्या क्वालिटी सॉफ्टवेयर है यार, प्रोडक्ट व्यू हो गया। वैल्यू बेस्ड व्यू क्या हो गया कि अब एज अ कस्टमर, एज अ यूजर मैं कितना डॉलर, कितना पैसा, रुपीज या डॉलर इसको देना चाहता हूं, अगर मैं इसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करना चाहता हूं या खर्च करने में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। दो शब्द इसमें आएंगे या दो कंटेंट में कहूंगा, एक है क्वालिटी ऑफ डिजाइन और एक होता है क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ डिजाइन का मतलब यह होता है कि एक डिजाइनर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया या प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या तय करता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई एक सामान बना रहा है तो कौन से मटेरियल किस ग्रेड का लगेगा, इसमें इसके टॉलरेंसेस क्या होने चाहिए, किस पे टूटेगा किस पे नहीं टूटेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस के माना क्या स्पेसिफिकेशन, ये क्या क्या, जैसे एक बाइक है 160 180 पे चलनी चाहिए, ये इसकी क्वालिटी हो सकती है। डिजाइन क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्पेसिफिकेशन ये पूरे कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को जिस स्पेसिफिकेशन में जिस मानकों के तहत बनाया गया कि भाई ये प्रोडक्ट ये काम करने चाहिए, अगर वो कर रहा है तो आप कहेंगे इसमें क्वालिटी है।
वहीं पर हम अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन का मतलब यहां पर इस चीज का मतलब यह होता है कि अगर यूजर ने कुछ कहा है उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है और फीचर है जो जो ये प्रोवाइड करता है, जिस जो जो काम ये करने की संभावना रखता है, और ये सब जो चीजें हैं ये रिक्वायरमेंट मॉडल में दी गई हैं, और रिक्वायरमेंट मॉडल की सारी चीजें फंक्शन और फीचर यूजर को मिलते हैं, तो आप कहेंगे यार इसमें तो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन है। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है? कॉन्फॉर्मेंस मतलब ये होता है कि किसी लॉ को फॉलो करना, इसको कॉन्फॉर्मेंस कहते हैं, किसी चीज को फॉलो करना। लॉ तो नहीं कहूंगा लेकिन लॉ मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि लॉ को हम फॉलो करते हैं, उसके उसको मानते हैं। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस का मतलब ये होता है वो डिग्री जिसमें जब आपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट किया या प्रोडक्ट को बनाया तो इसका जो डिजाइन था और इसका रिक्वायरमेंट था, जो रिक्वायरमेंट थे यूजर के और जब आपने डिजाइन बनाया, उन दोनों को ये कॉन्फॉर्म करता है, उन दोनों को फॉलो करता है, उन दोनों को एडहियर करता है, उन दोनों को मानता है। तो रॉबर्ट ग्लास साहब ये कहते हैं कि जो यूजर सेटिस्फेक्शन है, मतलब मुझे जब अच्छा लगे एज ए यूजर, तो ये तीन चीजों का जोड़ होता है, गठजोड़ होता है। ऐसा प्रोडक्ट जो कंप्लायंट हो, यानी क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस आ गई, अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी के बहुत सारे मानक हो सकते हैं, और बजट के अंदर, शेड्यूल के अंदर आपको दे दिया जाए, मिल गया, मिल जाए, आपने पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं किया और समय में, समय से पहले मिल गया आपको, इन तीनों को मिलाएंगे तब यूजर खुश होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एज ए यूजर आप खुश हो जाते हैं या कोई भी यूजर किसी चीज को लेकर खुश हो जाता है तो बाकी चीजें क्वालिटी को छोड़िए, आप बस खुश हो जाए, आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये सॉफ्टवेयर, ये कोई प्रोडक्ट क्वालिटी है इसमें। डिमार्को साहब यहां पर कहते हैं कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, ये किसका फंक्शन है कि अभी जो हमारा विश्व है उसको ये कितना और चेंज कर रहा है अच्छे के लिए। अब विश्व कैसे चेंज होगा? जैसे आपकी लाइफ चेंज होगी अच्छे के लिए। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं, कल को आप 100 रुपए कमाने लगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना? तो अगर सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट क्वालिटी उसका ऐसा है कि वो क्वालिटी आपकी चीजों को बढ़ा रही है, आपके जिंदगी को अच्छा कर रही है, तो वर्ल्ड, विश्व के तौर पे सब चीजें ठीक हो रही है। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा बेनिफिट दे रहा है कि आप कह रहे हैं यार कमाल है, मेरी तो लाइफ आसान हो गई, अगर माइक्रोवेव नहीं होता या वॉशिंग मशीन नहीं होती या फिर डिश वॉशर नहीं होते तो कैसे काम चलता हमारा? नहीं चल पाता ना। इन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो अगर इसमें कभी कभी कुछ फॉल्ट आ जाए तो आप कहते हैं ठीक है चलेगा, लेकिन मेरी जिंदगी तो आसान हो गई। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब ही यही होता है सबकी, भाई हमारे काम को आसान कर रहा है, थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी इश्यूज, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आदमी झेल लेता है या इग्नोर कर देता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब यह है, सब चीजों को मिला लीजिए, अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब यह है ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो इफेक्टिव हो, यानी आप स्टेप वाइज चलेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस का क्या मतलब है? जैसे अगर आप वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं या एजाइल करते हैं या स्पाइरल यूज करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव होने चाहिए उस काम के लिए, और इनको इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि ये एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाए, ऐसा प्रोडक्ट जो यूजफुल हो। पता चला कि आपने वो बनाया जो किसी के यूज का ही नहीं है, और साथ में ये पैसा या फिर सेटिस्फैक्शन किसको दे? जिसने बनाया है और जिसके लिए बनाया है, डेवलपर और यूजर दोनों को ही फायदा हो, दोनों को ही मजा आए, दोनों को ही अच्छा लगे, इसे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहते हैं। अब डेफिनेशन जो है ये वाली, इसमें तीन चीजें आ गई जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की मैंने परिभाषा बताई। पहली चीज तो ये इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मैंने ये बताया, ये वाली नहीं, ये वाली। अब इसको हम कैसे बताएंगे? इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाए जा सके, जो सपोर्ट करे। ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस, जो सॉफ्टवेयर मॉडल हम देखते हैं अलग अलग, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरीके से लगाया जाए ताकि एज अ डेवलपर, एक डेवलपर प्रॉब्लम को पता करे, इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन डिफाइन करे और बेहतरीन तरीके से एक अच्छी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ बढ़े। इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी?
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे, चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल रिव्यू, मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो अम्ब्रेला, आपको याद है मैंने बताया था आपको कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती है, वो सारी जो होती है क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। टेस्टिंग हो गई, रिव्यूज हो गए, कोड रिव्यूज हो गए, टेक्निकल रिव्यूज हो गए, तमाम तरीके की चीजें। एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? एक अच्छा प्रोडक्ट ये होता है, देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई ना आपको, यूजफुल प्रोडक्ट, इस तरीके से एक और चीज आएगी इसमें। तो अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपको चाहिए वो मिल जाए, मतलब कॉन्टेंट हो इसमें, फंक्शन हो इसमें, फीचर हो, आप इस पर रिलायबल मतलब आप इस पर विश्वास कर सके, इसमें एरर ना हो, एरर फ्री हो, और वो मिले जो यूजर डिजायर करता है, चाहता है। यूजर यूजफुल प्रोडक्ट वही तो होगा कि जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है और बगैर किसी दिक्कतों के मिल रहा है। तो यूजर प्रोडक्ट में अगर इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट जो आपने बता रखी है और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट, एक्सप्लिसिट जो आपने बता रखी है, इम्प्लिसिट जो उसमें ऑलरेडी होनी चाहिए, आपने बताई नहीं है लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट अगर एक जो जरूरतें हैं आपकी यूजर की वो इसमें अगर प्रोडक्ट में मिल रही है तो आप कहेंगे यूजफुल प्रोडक्ट है। बाय एडिंग वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि चाहे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने बनाया है सॉफ्टवेयर, और चाहे एंड यूजर हो जो आप लोग या मैं हो सकता हूं, उन दोनों की जिंदगी को आसान करें, उसमें वैल्यू ऐड करें। इसका मतलब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना बेनिफिट करेगा, कैसे उसको फायदा होगा इस क्वालिटी सॉफ्टवेयर से, पहली चीज तो उसको मेंटेनेंस में बहुत कम समय व्यतीत करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का मैक्सिमम काम होता है बग फिक्सिंग, प्रॉब्लम फिक्सिंग, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको करने में। तो बग फिक्स करना, प्रॉब्लम को फिक्स करना, बार बार कस्टमर आपको फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बार बार आप उसके पास जा रहे हो, वो नहीं करना पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। यूजर को कैसे फायदा होगा उसमें? उसमें ये होगा कि जैसे उसको सॉफ्टवेयर मिला और सही सॉफ्टवेयर मिला, वो अपने बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए तो बनाया है उसने सॉफ्टवेयर आपसे, वो फटाफट काम कर लेगा अपना। तो एंड रिजल्ट क्या है इस पूरी डिस्कशन का, कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर रेवेन्यू पैदा करता है, आपके लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, यूजर के लिए भी, दोनों को प्रॉफिट होता है, हर एक स्टेक होल्डर को प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। और इसके अलावा आगे के बिजनेस के लिए, आपके उड़ान के लिए मार्केट में, ये आपको फायदा करता है। गार्विन साहब की कुछ क्वालिटी डायमेंशंस हैं, पूरी तरीके से ये आपके सॉफ्टवेयर में लागू नहीं होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर इसको आप देखें तो पूरी तरीके से, क्योंकि क्वालिटी तो सबके लिए है तो सॉफ्टवेयर के लिए भी वही बात होगी। डेविड गार्विन साहब कहते हैं कि क्वालिटी को बहुत सारे अलग अलग आयामों से, व्यू पॉइंट से देखना जरूरी है। ये क्या होता है कि कॉन्फॉर्मेंस से शुरू होता है कि भाई हमको जो बनाना था वो चीज बनाई है कि नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट ने ये इसको कहा गया था, क्या इसने कॉन्फॉर्म किया है कि नहीं किया है, फॉलो किया है कि नहीं किया है, आत्मसात किया है कि नहीं किया है। और इसके बाद बात आती है सुंदरता की, एस्थेटिक व्यू की, कि भाई अच्छी चीज बनी हो। तो गार्विन साहब के 8 डिमेंशन ऑफ क्वालिटी है, वो सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में बता सकते हैं। पहली चीज जिसमें आती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्वालिटी क्या होगी कि जो भी रिक्वायरमेंट मॉडल, जब सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट मॉडल बनाया गया, क्या सॉफ्टवेयर सारे फंक्शन, सारे फीचर, सारा कंटेंट उस रिक्वायरमेंट मॉडल के पूरे करता है, देता है। फीचर क्वालिटी में क्या होगा कि जो पहली बार इस सॉफ्टवेयर को यूज करे वो खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको, अरे यार क्या चीज है यार, मजा आ गया, इसे फीचर क्वालिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर सारे फीचर, सारे फंक्शन दे रहा है बगैर फेल हुए। जब आपको इस सॉफ्टवेयर या इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट या इस वेब ऐप की जरूरत है, क्या ये अवेलेबल है। कन्फॉर्मेंस का मतलब यह होता है कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो डेवलपर है वो भी सेट करता है, कंपनी भी सेट करती है, क्या आपने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, क्या सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपको यूजर इंटरफेस बनाना है, तो जो डिजाइन रूल है इसके, क्या वो कैसे यूजर इनपुट करेगा डेटा, तो इनपुट वाला आपने जो भी स्टैंडर्ड था वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि क्या मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ बग फिक्सिंग करना है या कोई चेंज करना है, तो आपने जो चेंज किया उसके कारण कहीं और चेंज तो नहीं हो गया, कहीं और इफेक्ट तो नहीं आ गया, मतलब यहां चेंज किया और इस पे एरर आ गया, ड्यूरेबिलिटी से कहते हैं।
सर्विसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, कितने समय में इस प्रॉब्लम को या चेंज को कर दिया गया। बहुत ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है, इसे सर्विसिबिलिटी कहते हैं। अब इसी में डगलस साहब की एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि अगर आप मान के चलें कि कोई चीज खराब नहीं हो सकती, मान के चलें कि यार इसमें तो एरर नहीं आएगी, तो जब वो एरर आती है, जब जहां आप मान के चलते हैं देखो इसमें तो एरर आएगी, इसमें तो आ ही नहीं सकती, और जिसमें एरर आप कह रहे हैं कि नहीं आएगी और वहां आती है, तो उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अगली चीज जो आती है एस्थेटिक्स, सुंदरता, दिखने में मजा आना चाहिए। तो एक एस्थेटिक का मतलब यह होता है कोई चीज जो एलिगेंट लगे, मस्त लगे, यानी अच्छी लगे, देखने में सुकून मिले आपको, है ना। इसका मतलब यह है कि आप इसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, बस आपको अच्छा लगेगा, आप इसके लिए कुछ नंबर वंबर नहीं दे सकते, बस अच्छा था ऐसे कहते हैं आप। परसेप्शन एक बहुत बड़ी बात होती है। परसेप्शन मतलब यह है कि अगर आपका कोई एक आदमी आ रहा है और आपके साथ में दूसरा खड़ा हुआ है, वो अगर उस आदमी के बारे में कह दे यार ये आदमी सही नहीं है, तो आपके दिमाग में अपने आप बन जाएगा कि हाँ यार ये जो आ रहा है ना सही नहीं है, जरा इसको देखा जाए, इसको इस तरीके से बात की जाए। तो प्रिजुडिसेस, हम मान के चलते हैं कि किसी ने टोपी लगाई है और दाढ़ी है, तो हमारा एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ये कैसा आदमी है, जबकि आपको पता है कि जो एक उनका उनके बैकग्राउंड है या उनके उसमें कहा गया है किताबों में, इतनी बेहतरीन चीज कही गई है कि अगर आप सुन लेना तो मजा आ जाए। तो हम लोग प्रेजुडिसेस पे चलते हैं, अच्छे लोगों को भी हम बुरा सोचने लगते हैं। जैसे कोई एक ऐसा वेंडर है जिसने गलतियां कर रखी है, तो आप मान के चलेंगे कि अगर ये सॉफ्टवेयर जो बना रहा है ना ये खराब ही बनाएगा। इसी तरीके से कोई ऐसा वेंडर है जिसने बेहतरीन चीज बना के दे रखी है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम होगी भी तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे। तो गार्मिन का ये कहना है कि भाई ये जो डिमेंशंस हैं ये थोड़े सॉफ्ट हैं, या फिर लोग मानते हैं कि इनके ना जो ये डिमेंशन है क्वालिटी के जो अलग अलग आयाम हैं वो थोड़े सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड को कैटेगराइज किस तरीके से किया गया कि भाई ये जो चीजें कहेगी ना ये हवा में कह दी इन्होंने, हम तो इसको मेजर करने की बात करेंगे, आप सुंदरता को मेजर करो, यानी कोई अगर टेस्टिंग के समय जितने डिफेक्ट निकल के आ रहे हैं उन नंबर्स के बारे में बात करो, बस ये नहीं करो कि बस अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके या किसी तरीके से इनडायरेक्टली उसको पता कर सके, जैसे यूजेबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, चलिए साहब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का पहला पार्ट ये हुआ, अभी आगे भी बात करेंगे। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।